हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल चटकारा भाई आकांक्षा में स्वागत है। आपने आलू और सूजी का तो नाश्ता बहुत खाया होगा, लेकिन हम आज आपको डिफरेंट वे से आलू और सूजी का नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप उसे घर पर एक बार बनाएंगे तो सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। घर पर मेहमान आ रहे हो तो आप इसे ज़रूर बनाकर खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, बहुत ही कम तेल में बनने वाला नाश्ता है, तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी का नाम है स्टफ्ड इडली रोल। आप स्टफ्ड इडली रोल सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ये 300 ग्राम सूजी ली है। जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही दही इसमें मिक्स करेंगे। ये हमने 300 ग्राम के करीब दही इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको दही के साथ मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमने अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमने बैटर बना लिया है, अब हम इसको एक किनारे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आइए तब तक हम आलू का मिक्सचर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। हम इनको एक एक करके कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम सारी आलू कद्दूकस करके रख लेंगे। हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, पैन गर्म हो गया है। हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल थोड़ा सा, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल के गरम होने पर हम इसमें डालेंगे राई 1/2 चम्मच, आधी चम्मच हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच अदरक कसी हुई डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें चुटकी भर हींग। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश की हुई अपनी आलू का मिक्सचर डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच साबर पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास घर पर है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने जब राई जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो उस समय आप चाहें तो प्याज भी कटा हुआ डाल सकते हैं या मिक्स वेज भी डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। हमारे बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम इसको प्लेन बना रहे हैं। मिक्सचर रेडी है, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके थोड़े ठंडे हो जाने पर इसको हम शेप देकर सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे। इसके लिए हम अब इसका सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले ग्लास ले लिए हैं, जिसमें हम इडली मिक्सचर बन रखेंगे। तो हमने ये ग्लास लिए हैं, इसमें ये निशान बनाया है, यहाँ तक का हम इसका सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे आलू का। उसके ऊपर हम इडली का मिक्सचर भरेंगे। मिक्सचर को भी इतना ही रखना है, ऊपर से थोड़ा खाली रखना है, क्योंकि स्टीम होने के बाद भी सूजी फूलेगी। तो चलिए हम अपना सिलेंड्रिकल शेप मिक्सचर बना लेते हैं।
पांच सेप बनाकर रख लिए हैं। आप इसको इस तरह से मेजर करेंगे, आप ग्लास का नीचे का पार्ट देखेंगे, इसका जो डायमीटर है उससे थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि अगल बगल इसमें इडली का मिक्सचर भी आएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। इडली के मिक्सचर को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें इनो मिलाएंगे। और हम इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमको मिक्सचर थोड़ा सा अपना गाढ़ा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको पानी डालकर बैलेंस करेंगे। अगर आपको भी लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। आप देख लीजिए बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब हम ग्लास लेंगे और इन सारे ग्लासों में ऑयलिंग कर लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर देंगे सारे ग्लास को। ऑयल में चारों तरफ आप ग्लास में ऑयल लगा दीजिए। जब तक हम ग्लास में बैटर को सेट करते हैं, तब तक हमने पानी कुकर में गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम ग्लास में इडली के मिक्सचर को डालेंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नीचे तली में इतना मिक्सचर डालना है। हमने चारों ग्लासों में इडली का मिक्सचर रख लिया है। आप ये देख लीजिए ग्लास के साइज से आपको 1/4 ग्लास इडली का मिक्सचर नीचे रखना है। अब हम इसमें ये जो हमने आलू का मिक्सचर सिलेंड्रिकल शेप में करके रखा है, अब इसको हम सेट करेंगे। और हम इसके ऊपर दोबारा से मिक्सचर डालेंगे। ऊपर से 1/4 पार्ट हमें खाली रखना है ग्लास का, जिससे कि इडली जब स्टीम होगी तो फूलेगी, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। अब हम इडली के स्टैंड में ग्लास को रख देंगे स्टीम होने के लिए। एक बार में जितने ग्लास आए आप उतने आराम से रखें। मैं 3 ग्लास को कर रही हूँ। और कुकर का ढक्कन ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमने ये चटनी बनाकर फ्रिज कर दी थी। ऐसी चटनी बनाकर आप भी रख सकते हैं, और जब मन हो जब कोई रेसिपी बनाए तब इसको निकाल कर खा सकते हैं। तो अब मैं अपनी रेसिपी के साथ इस चटनी का यूज करने वाली हूँ। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। आप इस तरह के पॉली बैग में, अगर आपके पास जिप लॉक पॉली बैग है तो उसमें, या फिर इस टाइप का बैग है तो इसमें इसको रखकर फ्रीजर में रखकर आप हफ्ते भर तक खा सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा इडली पकी है कि नहीं पकी है। तो हम इसके लिए बीच में नहीं डालेंगे चाकू को, क्योंकि बीच में तो आलू का मिक्सचर है। साइड से थोड़े से पहले एक बार चाकू को अंदर डाल के देखेंगे। चाकू क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी इडली पक गई है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसमें ऑयल लगा हुआ था तो ये बहुत आसानी से निकल आता है। ये देखिए कितना अच्छा स्टीम हुआ है। हम चारों ग्लास से निकालकर फिर इनको कट करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप चाहे तो इनको ऐसे ही पीस कट करके चटनी के साथ खा सकते हैं, पर इनको मैं और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए, टेस्टफुल फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब मैं एक और प्रोसेस करने जा रही हूँ, उसको भी आप देखिए। मैंने ऑयल गरम कर लिया एक पैन में। अब मैं उसमें डालूंगी राई। राई जब चटकने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे।
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें साथ में ही थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको इसको मैं इसमें रोल करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा रोल हुआ है। इसी तरह हम इसमें सारे रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको एक इडली काट कर दिखाने वाली हूँ, तो आप देखिए। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी लग रही है। आप मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये एक नई रेसिपी है जो घर में सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों बड़ों सभी को। और ये बिना तेल के, बहुत ही कम तेल यूज़ करके ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल रेसिपी बन जाती है। तो आप इसको घर पर एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।